गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जीडी टेक्निकल में। मेरा नाम जितेंद्र दुबे, आप देख रहे हैं जीडी टेक्निकल। चलिए गुड मॉर्निंग की इस एपिसोड को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पहली एक क्रिटिकल क्या आ रही है रियलमी A1 की तरफ से दोस्तों, कि रियलमी A1 ने अपने ए सीरीज के बॉक्स को लीक कर दिया गया है, क्योंकि रियलमी इसके एक जल्द लॉन्च होने की संभावना आ रही है। कि रियलमी ए वन के बॉक्स को लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए, यही अपडेट तो आए थे रेडमी वन की तरफ से। रेडमी वन अपने स्मार्टफोन को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चित था, तो रेडमी वन ने रेडमी ने अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है और जल्द ही लॉन्च करने वाला है। उसका सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया और एक लीक के बाद मान लिया कि उसका रियलमी ए वन का बॉक्स लीक हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये रियलमी वन का बॉक्स है दोस्तों। आई अपडेट तो एक अपडेट आई थी रेडमी तरफ से। जाइए दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। दूसरी अपडेट आई दोस्तों हुआवे की तरफ से। हुआवे के इस ऑपरेटिंग सिस्टम के से यूज़र अपने अपने वेब सर्विस इंतजार करते हैं, क्योंकि हुआवे के जैसे कि अमेरिका में हुआवे को यानी कि US में अमेरिका को हुआवे कंपनी को बैन लगा दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया था। ठीक उसी को देखते हुए हुआवे ने कहा भाई आप गूगल से डब अपना बैन लगा सकते हैं, कि मैं तो अपना सॉफ्टवेयर अपनी अपना हुनर से अपना देता हूँ। तो हुआवे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसे आप कभी एंड्रॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका नाम है होमेंग OMG ऑपरेटिंग सिस्टम। होमेंग जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हुआवे कंपनी तैयार किया है अपने स्मार्टफोनों के लिए, जिससे ये अपने काफ़ी बेहतर बनाने वाला है हर स्मार्टफोन को। हुआवे मेट X में आपको यही एक सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। और चलिए दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं। तो अगली अपडेट सारी है गूगल क्रोम की तरफ से दोस्तों। गूगल क्रोम की तरफ से दोस्तों ये अपडेट आ जाए कि अगर आप ऑडियो और वीडियो लवर्स हैं, तो आपको ऑडियो और वीडियो की एक नई फीचर्स आने वाली है, जिसके जरिए आप गूगल क्रोम को अपडेट करने की संभावना है। कि गूगल क्रोम अपने फीचर्स को नए अपडेट्स और नए यूजर्स को नए फीचर के साथ अपडेट करने वाला है, इसमें कि ऑडियो और वीडियो कनेक्टिविटी दोनों साथ में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अगली अपडेट तो आए गूगल की तरफ से। गूगल ने डूगल बना दिया दोस्तों। गूगल ने डूगल बना दिया क्योंकि गूगल ने ह्यूमन ह्यूमन वर्ल्ड कम चल रहा है, जो कि अमेरिका में चल रहा था। कल US से 8 बजे के बाद मैसेज हुआ था ह्यूमन तो गूगल ने इस वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के गूगल तैयार किया है। गूगल डूगल अपने गूगल साइट को डुअल प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि हर साल गूगल इसमें करीबन 25वें दशा हो गए गूगल को डुअल बदलते हुए, क्योंकि ह्यूमन रेसलिंग या ह्यूमन फीवा वर्ल्ड कप में गूगल अपने स्मार्ट अपने साइट को गूगल को डुअल प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों आज इतनी यह दूसरी अपडेट एक अपडेट और आ रही है Realme C1 की तरफ से। तो मैंने कल भी बताया था और Realme C1 की तरफ से ये अपडेट है कि Realme C1 ने अपने स्मार्टफोन C1 को एंड्रॉयड पैच जून पैच की ये अपडेट दे चुकी है, और आपको सब मिला है नाइट मोड, स्लो मोशन और सब साथ मिलने वाला है आपको ऐप लॉन्चर। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की बात करें। तो जैसे ओप्पो के 19 जुलाई को अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है ओप्पो के 3। तो दोस्तों ओप्पो के 3 के फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप मेरा पसंद करेंगे तो आप ले सकते हैं ओप्पो के 3 को। अभी आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है 19 जुलाई के बाद, क्योंकि अभी वो अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है, कन्फर्म डेट नहीं आई है, बट अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 जुलाई को ओप्पो के 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों आज के यही थे कुछ आज के न्यू अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका कोई भी नया सुझाव हो वीडियोस को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना दे सकते हैं, क्योंकि सुझाव ओपन है। आप सुझाव देते रहिए कमेंट बॉक्स में, प्रेरित होते रहेगा हमारा वीडियोस, और ऐसे ही वीडियोस बताते बताने रहूँगा। चलिए दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।